नमस्कार, दाइंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदा फरुख। करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। अशोक गहलोत के निशाने पर भाजपा सरकार, भामाशाह स्वास्थ्य योजना और गौरव यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री राजे पर साधा निशाना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, यूरोपीय देशों की यात्रा पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की कवायद। केंद्रीय मंत्री अठावले का विवादित बयान, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर खुद को किया आम जनता से परे। और विश्वकर्मा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शातिर नकबजन गिरोह का पर्दाफाश, कबूली कई वारदातें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू यूरोपीय देशों सर्बिया, माल्टा और रोमानिया की यात्रा पे हैं। यात्रा के पहले चरण में नायडू सर्बिया में है, जहाँ उन्होंने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी में द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए और स्वामी विवेकानंद एवं निकोला टेस्ला की याद में डाक टिकट जारी किए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी तेजी से उभर रही है। आपको बता दें कि यात्रा का मकसद आर्थिक, पर्यावरण, व्यापार और सांस्कृतिक क्षेत्र में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। नायडू 20 सितंबर तक करीब एक सप्ताह की यात्रा के दौरान तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान इन देशों के साथ विभिन्न सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस बीच वे बतौर राज्यसभा के सभापति अपने समकक्षों के साथ प्रतिनिधित्व स्तर की वार्ता करेंगे और इन देशों की संसद को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति की अगुवाई वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, राज्यसभा सदस्य प्रसन्ना आचार्य, विजिला सत्यनाथन और सरोज पांडे तथा लोकसभा सदस्य राघव लखनपाल भी शामिल हैं। श्रीनगर के लाल चौक के पास स्थित होटल पामपोश में आग लग गई। जानकारी के अनुसार होटल पामपोश के छठे और सातवें फ्लोर पर आग लग गई। होटल से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। होटल पामपोश लकड़ी से बना हुआ है, इसलिए आग पर काबू पाने में फायर कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। होटल का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस होटल में 3 मीडिया हाउस के अलावा और भी कई कंपनियों के दफ्तर हैं। सीबीआई ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक में 2 अरब रुपए से ज्यादा के घोटाले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के फरार होने में उसके किसी अधिकारी का हाथ नहीं है। कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने एजेंसी पर भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को जानबूझकर कमजोर करने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने कहा है कि फैसला इसलिए किया गया क्योंकि उसे हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने के लिए ठोस वजह नहीं थी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दावा किया। सीबीआई के संयुक्त निदेशक ए के शर्मा ने माल्या के लुकआउट नोटिस को कमजोर किया, जिससे माल्या भागने में कामयाब रहा। शर्मा गुजरात कैडर के अधिकारी हैं और वह सीबीआई में प्रधानमंत्री के बेहद पसंदीदा हैं। यही अधिकारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के भागने की योजना के प्रभारी थे। सीबीआई का कहना है कि डायमंड कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा चौकसी के बारे में बैंक से जब तक शिकायत मिली, तब तक नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को भारत छोड़े 1 महीना हो चुका था। कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक ने राफेल सौदे में अपनाए गए तरीकों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय सचिव समिति बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अरबों डॉलर के लड़ाकू जेट सौदे में पूरी सच्चाई को जेपीसी की जांच में ही सामने लाया जा सकेगा। वासनिक ने राफेल विमान खरीद में राजग सरकार द्वारा अपनाए गए भ्रष्ट तरीकों की आलोचना करते हुए कहा कि इससे पहले देश ने बड़ा घोटाला नहीं देखा है जैसा इस विमान की खरीद में देखने को मिला। उन्होंने आरोप लगाया, मोदी ने लोगों के कल्याण और देश के विकास में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनकी रुचि पद, सत्ता और आरएसएस में है। राफेल सौदे में प्रधानमंत्री द्वारा एक बड़े उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के औचित्य पर प्रश्न खड़ा करते हुए वासनिक ने कहा, हमें भारत को बचाना चाहिए। राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हैं और आरोप लगा रही हैं कि वह बेहद ऊंची कीमत पर फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीद रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि सप्रंग सरकार ने प्रति लड़ाकू विमान 526 करोड़ रुपए की कीमत पर खरीदारी को अंतिम रूप दिया था और 126 राफेल जेट खरीदे जा रहे थे, लेकिन वर्तमान सरकार एक लड़ाकू विमान
1670 करोड़ रुपए में खरीद रही है। जोधपुर में मकान निर्माण के लिए सड़क पर नींव खोदने का विरोध करने पर तीन भाइयों ने किराने की दुकान पर बैठे व्यापारी पर हमला कर चाकू मार दिया। इतना ही नहीं, व्यापारी को अस्पताल ले जाने के बाद हमलावरों ने घायल के भतीजे से भी मारपीट की। लोगों ने तीनों की पिटाई की, लेकिन फिर भी वो खुद को छुड़ाकर भाग निकले। पुलिस ने मदन प्रकाश और मनीष मालपानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गांव वालों का कहना है कि पवन की बहन के मकान के पास ही तीनों आरोपियों का मकान बन रहा है। आरोपी सड़क की हद में नींव खोद रहे थे। दो तीन दिन पहले व्यापारी ने उन्हें टोका और ऐसा ना करने का आग्रह किया था। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें, राफेल डील, महंगी बिजली के मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में घुसने को लेकर हुए हंगामे के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाए। एक दर्जन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अंटा घर चौराहे के पास छोड़ दिया। वहीं लाठीचार्ज में घायल चार कार्यकर्ताओं को MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष विजय सिंह और भानु प्रताप सिंह सहित कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में घुसने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था। जब कार्यकर्ता रुके नहीं तो पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हो गई, जिस पर पुलिस ने लाठी के बल पर कांग्रेसियों को खदेड़ा। देश में एक ओर जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं मोदी सरकार के मंत्री जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मोदी सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री रामदास अठावले ने जयपुर में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर विवादित बयान दे डाला। उनसे जब पेट्रोल डीजल से पड़ने वाले कहर पर सवाल किया गया तो वो बोले कि वो अभी मंत्री हैं, उन्हें पेट्रोल डीजल की कीमतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता अपनी जाने वो तो खुश है। बाद में उन्होंने कहा कि फिर भी सरकार प्रयास कर रही है कि ये कम हो। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन परेशान तो मैं भी, मेरे क्योंकि मैं मंत्री हूँ तो मुझे फुकट में डीजल मिलता है, इसीलिए अगर मेरा मंत्री पद जाएगा तो मैं परेशान हूँ। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकबजनी चोरी और राहजनी गैंग का पर्दाफाश करते हुए तीन सदस्यों को माल सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 11 मोटरसाइकिल, 14 मोबाइल, लैपटॉप व मास्टर चाबियां बरामद की हैं। विश्वकर्मा थाना प्रभारी कमल किशोर ने बताया कि नकबजनी और चोरी मोबाइल छीनना गैंग के तीन सदस्य सोहिल उर्फ भल्ला, अरशद उर्फ इरफान, शाहरुख उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के निशानदेही पर दबिश देकर 11 मोटरसाइकिल, 11 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप व मास्टर चाबियां बरामद की हैं। आरोपी बड़े ही शातिर दिमाग के हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके को देखकर रैकी कर बड़ी आसानी से मास्टर चाबी का इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल चुरा कर रफू चक्कर हो जाते थे, फिर उसको ठिकाने लगाकर दूसरी वारदात की ओर बढ़ जाते। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरियां शौक पूरा करने के लिए करते हैं और उनके खिलाफ राजधानी के दर्जन भर थाना इलाकों में चोरी की वारदात करना कबूल किया है। अब पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने में जुटी हुई है। रोटर क्लब की ओर से जयपुर में फूड डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। लोगों को खाने का पर्पस बताने के लिए इसका आयोजन किया गया। गुजर की थड़ी, मालवीय नगर और सीतापुरा में सभी लोगों के लिए अन्नपूर्णा के निःशुल्क भोजन के टिकट दिए गए। रोटरेट क्लब लोगों को खाने को वेस्ट नहीं करने के बारे में बताया गया। वी आर एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग द फूड डोनेशन ड्राइव इन जयपुर इन थ्री डिफरेंट प्लेसेस, जयपुर गुजर की थड़ी, मालवीय नगर एंड सीतापुरा। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि इंजीनियर्स ओकेजन पे हम खाना डोनेट कर रहे हैं लोगों को, ज़रूरतमंदों को, एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल टू स्टॉप दी हंगर एंड वी आर ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज कि हम खाना खाने से, खाने की पर्पस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर आए। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके प्रशंसकों ने उनका जयपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूरा एयरपोर्ट परिसर अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मीडिया से बातचीत में गहलोत ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
उन्होंने मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। वहीं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और गौरव यात्रा को लेकर भी गहलोत ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। जो हमारी योजना थी उसको कमजोर करना ही इनकी गलती थी। भामाशाह योजना लानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने जब स्कीम लागू की थी तो हमने इसको स्टडी किया था आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में ऐसी स्कीम चल रही थी भामाशाह की तरह, और उसमें करप्शन बहुत बहुत बड़े लेवल का था। पता पड़ता ही नहीं कौन सा इलाज कौन करवा रहा है, कहाँ करवा रहा है, फिर उसके बिल पेश करो, तो उसमें डिफिकल्टी आ रही थी करप्शन की। इन्होंने अपनी जिद को पूरा करने के लिए हमारी योजना, क्योंकि हमारे वक्त में लागू की, जैसे मैंने कहा इन्होंने हर हमारी योजना को नाम बदलना या काम बदलना, कमज़ोर करना, यही काम किया 5 साल तक। इसलिए इस योजना को लेकर आए, भामाशाह कार्ड पे जो है करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, वो जांच का विषय है। वो जांच का विषय वो भी है अपना आपके अंदर, क्यों बनाया कार्ड, आधार कार्ड था, क्यों बनाया गया। तो ये शुरू से ही करप्शन की भेंट चढ़ चुकी है, मैं तो पहले से कह ही रहा था। अब आप नई बात बता रहे हो कि जो 106 करोड़ रुपये बकाया इसके है, उन्होंने पॉलिसी ख़त्म कर दिए, पॉलिसी मान लो वापस पेमेंट कर देंगे, वापस शुरू भी हो जाएगी। अल्टीमेटली इसमें बहुत भयंकर करप्शन होता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।